मैं जानता हूँ कि जब मुस्लिम मोहल्ले आते हैं तो आज ड्रग लेने का बच्चों के नौजवान बच्चों के अंदर ड्रग लेने की तादाद बढ़ गई। इस गौर और फिक्र की जरूरत है, हमें उन नौजवानों को इस्लामिक कल्चर सेंटर के नजदीक लेके आना। ये पूरा सच है कि इस महाराष्ट्र की जेलों में बेकसूर मुस्लिम नौजवानों का जो तादाद है वो ज्यादा है। उनके तरफ ज्यादातर लोग ऐसा है, ज्यादातर बच्चे ऐसे जेलों की सलाखों के पीछे बढ़ रहे जिनका 10-12 साल से आज तक क्राइम भी शुरू नहीं, उनका केस लड़ने वाले नहीं। जिंदगी के लिए बेमौत की मरते की हो और अहले ईमान हो उस शैतान से डरते की तो उनकी महफूज कहां अपने ठिकानों पे, बाद इखलाक तुम ही लोग हैं निशाने पे। सारे गम सारे शिकवे भुला के उठो, दुश्मनी जो भी होगी आपस में भुला के उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो बट मिट जाओगे खुश पत्तों की तरह तुम भी। इस जिल्म को जिसको हम लोगों ने अपने से दूर कर दिया, आज इस इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अंदर मैं चाहता हूं आज तो उस जिहाद को मिल के उस जिहाद को फिर से शुरू करना पड़ेगा जिस टीम के लिए हमें दुनिया में भेजा गया। कि आपको तालीम के लिए अगर अपनी मेहनत मजदूरी के साथ अगर अपना पेट काट के भी अपनी औलाद को अगर तालीम हासिल कराना है तो आप कभी पीछे मत हटना, क्योंकि मैं जानता हूं कि जबान तुम्हें चाहे देखना चाहता है तुम्हारे मजबूत मकानात महफूज नहीं रहेंगे। ये याद रखिए, अगर तालीम नहीं रहेगी तो हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे जिसके कहानी पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ जो ये जमीन और सातों आसमान का बनाने वाला, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, और पांव बख्शे है तो तौफी के सफर भी देना, और गुप्त को तूने सिखाई है कि जो मैं कहूंगा था अब मैं कुछ बोलूंगा तो बातों में असर भी दे। आज के इस तारीखी जलसे के सदारत कर रहे और इस इस्लामी कल्चरल सेंटर के रूह रवा डॉक्टर नितिन राव साहब, हमारे सरपरस्त जो यहां बैठे हैं मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब, और कौम और मिल्लत की बहुत ही कीमती सरमाया नागपुर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अंजुमन हामी इस्लाम के एडमिनिस्ट्रेटर आली जनाब जका हक साहब, उसी तरीके से हमारे बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर फारेक साहब, अमन फाउंडेशन के चेयरमैन जाकिर खान साहब, हमारे भाई आसिफ कुरैशी साहब, जफर खान साहब इस डायस पर बैठे, हमारे नगर सेवक पूर्व नगर सेवक मंसूर खान साहब, दिनेश यादव जी, डॉक्टर फैजान साहब, मैं सबका नाम लेना चाहता हूं, रजीउद्दीन साहब सामने बैठे हुए, इम्तियाज पाटा साहब, डॉक्टर आदित खान साहब, लेकिन वक्त की कमी है मैं जानता हूं। और हमारे इस प्रोग्राम के सदर डॉक्टर नितिन राउत साहब ने कहा कि नाम लेने की बजाय आप इसको आगे बढ़ा दें। बहरहाल आज की नशिश, आज का जलसा जिस बुनियाद पर जिसका इनेकाद किया गया है, इस्लामी कल्चर सेंटर का जब ये ढांचा तैयार हो रहा था, सबसे पहले जाकिर भाई ने हम लोगों को यहां पर ले आया। यकीन मानिए डॉक्टर साहब, उसके पहले मेरी राय ऐसी नहीं थी। मैं महाराष्ट्र में घूमता हूं, बहुत सारे मुस्लिम मेजोरिटीज वाले एरिया में मैं देख जाता हूं, लेकिन मेरी राय आपके बारे में बहुत, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं कि खराब थी, लेकिन वो उम्दा राय नहीं थी। लेकिन वाकई जब मैंने इस ढांचे को बनते हुए देखा उस वक्त मेरी राय बदल, मैं जानता हूं इस बात को कि आज के जदीद दौर के अंदर
तालीम की अहमियत क्या होती है। मैं जानता हूं जब हम हिंदुस्तान में ढूंढते हैं उस बेबस मां की आंखों के वो आंसू को, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिसका बेटा मॉब लिंचिंग में मारा जाता है और उसके तरफ उसके साथ खड़े होने वाले हमारे सपूत अस्कम। इस तालीम की अहमियत को मैं जानता हूं कि जब यहां से न्यू जैसे एरिया के अंदर 1200 से ज्यादा मकानों को मिसमार कर दिया जाता है, ऐसा लगता है कि कोई एयर स्ट्राइक हो गया, उस वक्त हमारे लिए बोलने वाले बहुत कम होते हैं, इसलिए तालीम की अहमियत को मैं जानता हूं। मैं जानता हूं इस बात को कि महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान की भी बात नहीं करूंगा, आसिफ भाई यहां बैठे हैं, महाराष्ट्र की जेलों जेलों के अंदर इस कौम के बच्चे आज भी जेल की सलाखों के पीछे अपने परसेंटेज से कई गुना ज्यादा। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि 30%, कुछ लोगों ने कहा 32%, कुछ लोगों ने कहा 35%, लगभग हमारा रिजर्वेशन इस महाराष्ट्र की जेलों के अंदर। लेकिन ये आधा सच है, पूरा सच ये है जका भाई, ये पूरा सच है कि इस महाराष्ट्र की जेलों में बेकसूर मुस्लिम नौजवानों का जो तादाद है वो ज्यादा है। उनके तरफ ज्यादातर लोग ऐसा है, ज्यादातर बच्चे ऐसे जेलों की सलाखों के पीछे बंद है जिनका 10-10, 12-12 साल से आज तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, उनका केस लड़ने वाले नहीं है, ये हकीकत है। इसलिए मैं इस तालीम की अहमियत को जानता हूं। ये वो मजहब है जिससे दुनिया में अमन का पैगाम दिया, सलामती का पैगाम दिया इस्लाम ने, मगर आज इस तालीम की अहमियत को मैं समझता हूं, ज्यादा अच्छे से समझता हूं कि इस अमन के पैगाम वाले मजहब को दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया और हम लोग जो है इस दफा नहीं कर पाए, ये मैं जानता हूं। मैं किस्सा जो है आपको सुनाना चाहता हूं, जो मैं हमेशा अक्सर सुनता था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक दुआ ऐसी मांगी कि अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत दे कि जो दुनिया में किसी को नहीं दी हो। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा 3 चीजें लेकर, और वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रख दी गई वो 3 चीजें। पहली थी इज्जत, दूसरी थी शोहरत और तीसरा था इल्म। और उनसे कहा गया कि इन तीनों में से आप जिसको चाहो चुन सकते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत सोचा और उनको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अल्लाह से जो दुआ मांगी थी वो गलत थी। उन्होंने उस इल्म को वहां से चुन लिया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को चुना, एजुकेशन को चुना, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दौलत और शोहरत से कहा कि तुम्हें जिब्राइल, तुम्हें सुलेमान ने ठुकरा दिया, अब तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। तो उसी वक्त दौलत और शोहरत ने कहा कि हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि ये हमारे अल्लाह का फरमान है कि जहां जहां इल्म जाएगा वहां वहां भी हमें दौलत और इज्जत को जाना पड़ेगा, ये अल्लाह का हो। तो ये इल्म की अहमियत वो है। इस इल्म को जिसको हम लोगों ने अपने से दूर कर दिया, आज इस इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अंदर मैं चाहता हूं आज तो उस जिहाद को, इल्म के उस जिहाद को फिर से शुरू करना पड़ेगा जिस इल्म के लिए हमें दुनिया में भेजा गया। ये हकीकत है कि दुनिया के अंदर अगर स्कूलों का निजाम शुरू हुआ है तो ये मदारिसों से शुरू हुआ है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता। तालीम का इदारा, तालीम का मकसद तो हमसे शुरू हुआ है, लेकिन शायद आज हम उस तालीम को अपने असल मकसद से दूर लेके जाए, ये हकीकत है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 2016 के अंदर एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसको नोबेल प्राइज मिला, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज था नोबेल प्राइज, उसका नाम था योगेशुरा ओशिमी, जापान का था। जानते हैं आपको इसको ये नोबेल प्राइज क्यों मिला? जरा गौर से सुनिए मेरी इस बात को, यार जहन नशीन करने वाली बात है। उसको ये नोबेल प्राइज इसलिए मिला कि उसने एक ऐसी मेडिसिन की इजाद कर किया, ऐसी मेडिसिन की बात किया, एक रिसर्च किया, और उस रिसर्च के अंदर उसने ये बताया कि मैंने एक ऐसी चीज सामने लाया हूं जिससे दुनिया में होने वाले कैंसर की संभावना
वो कम हो जाती है। तो उससे पूछा गया कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे संभावना कम हो जाती। उसने कहा कि हमारे बॉडी के अंदर जो सड़े गले हिस्से होते हैं, अगर इंसान भूखा रहना सीख ले तो सड़े गले हिस्से को कुछ जरासीम खाने लगते हैं, उस जरासीम को वो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो खाने लगते हैं। डॉक्टर फैजान साहब यहाँ पे बैठे हैं, मैं जो बात बोल रहा हूँ पता नहीं मैं कितना सही हूं, लेकिन उस नोबेल प्राइज का जो टाइटल था जो मैंने पढ़ा, उससे जब पूछा गया तो कितना भूखा रहना है, उसने कहा कि एक साल के अंदर कम से कम 20-25 दिन अगर इंसान 8 से 10 घंटे भूखा रहे तो शायद इस कैंसर के होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। उसकी इस बात के लिए उसको नोबेल प्राइज दिया गया। जरा सोचिए, या अल्लाह, अल्लाह के रसूल 1450 साल पहले यही बात को हमको उन्होंने बताया। अल्लाह ने कुरान में रोजे को फर्ज कर दिया, पर कितना हो गया कि हमने उस दीनी तालीम को अपने से दीनी तालीम समझकर महदूद कर दी, और ये दुनिया का एक आदमी उठा और उस तालीम को दुनियावी तालीम से जोड़ दिया, और आज वो नोबेल प्राइज इसी वजह से उसे मिला। ये सोचने की बात है। तालीम की अहमियत मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि डॉक्टर मॉरिस जो है जब उसे रिसर्च की जिम्मेदारी दी गई तो मिस्र के जितनी भी मम्मीज थी उसके ऊपर उसने रिसर्च किया, फिरौन पे जब रिसर्च किया तो उसने रिसर्च करते करते पता लगाया कि फिरौन के जिस्म पे या उसके हड्डियों के अंदर नमक की जर्रा थी। जानते हैं जब उसको इस बात का पता चला कि कुरान की किसी आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि फिरौन को हमने डुबोया था समुंदर में, जब उसने सऊदी अरब जाकर कुरान की छानबीन शुरू की, तब उसे इस बात का पता चला कि वाकई आज 3500 साल से ज्यादा का वो वाकया है, और कुरान जो कि 1450 साल पहले आया है इस कुरान के अंदर दर्ज है, वो बहुत ज्यादा मुतासिर। सोच लो, इस इल्म को अपने से हमने दूर करके कितनी बड़ी गलती की, और इसी इल्म को लोगों ने दुनिया की तालीम से जोड़कर कितना फायदा उठा। बहुत बात बहुत छोटी नहीं है, बहुत गहरी है, और सोचने की जरूरत है इस बात, इस तालीम की अहमियत को हमने अपनी जिंदगी से दूर कर दी। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, हमको अपने नौजवान नस्लों को रोकना होगा। मैं भूलता हूं, आज मैं जानता हूं कि जब मुस्लिम मोहल्ले आते हैं तो आज ड्रग लेने का बच्चों के नौजवान बच्चों के अंदर ड्रग लेने की तादाद बढ़ी, इस गौर और फिक्र की जरूरत है। हमें उन नौजवानों को इस इस्लामिक कल्चर सेंटर के नजदीक लेके आना पड़ेगा। हमें लाना पड़ेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर ई लाइब्रेरी बनी, जिस तरीके से यहाँ का ऑडिटोरियम बना, जिस तरीके से यहाँ पर जो क्लासेस अगर लेने की जो बुनियाद आज डाली जा रही है उसका फायदा कैसे उठाएगा। इसलिए मेरे नौजवान साथी, मैं डॉक्टर नितिन राउत साहब का दिल की गहराइयों से ना सिर्फ उनको मुबारकबाद देता हूं बल्कि बिना शुबा मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने इसकी शुरुआत करके हम पर एक एहसान किया है। बात सियासत की है, इलेक्शन नजदीक है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कोई भी हो, इलेक्शन हो या सियासत हो, अगर काम हमारे मिल्लत का वो फाउंडर वो फाउंडेशन का हो जिसकी जरूरत इस मिल्लत के हर नौजवान को है, हर बुजुर्ग को है, उसके करने वाले की अजमत को हम सलाम करें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, और सिर्फ होटों को हलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकानों पे, बाद इखलाक तुम ही लोग हैं निशाने पे, सारे गम सारे शिकवे भुला के उठो, दुश्मनी जो भी होगी आपस में भुला के उठो, अब अगर एक ना हो पाए तो बट मिट जाओगे, कुछ पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओ। मैं खुसूसी तौर पर यही बात कहने के लिए आज आया, और मैं चाहता हूं डॉक्टर साहब, मैंने
आपके साथ एक घंटा गुजार कर मैंने आपका मुस्तकबिल का जो प्लान, आपके हॉस्पिटल की जो बातें मैंने देखी, मैं वाकई मुतासिर हुआ, वाकई बहुत मुतासिर हुआ। आसिफ भाई, मैंने जब नजदीक से देखा, सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल देखा, और ये हकीकत है, मैं तो जो रजी भाई ने कहे वो तो मैं नहीं जानता कि 4000 MLA में कितने बना, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं इतना महाराष्ट्र की ग्रामीण में घूमा हूं, मुझे ऐसी मिसाल तो मुझे नहीं दी। और अगर ये बुनियाद है तो डॉक्टर साहब इसमें कोई शक नहीं कि इस कौम पर किए हर एहसान का आपको सिला मिलेगा, और हम वो कौम है जो कभी किसी का एहसान नहीं दी। तो याद रखिए, मैं तमाम लोगों का, आप लोगों का ममनून और मशहूर हूं, और जितनी भी तारीफ करूं इस इस्लामी कल्चर सेंटर के अंदर जिसकी इफ्तिताह हम करने जा रहे हैं, वाकई हमारा मकसद, हमारी नीयतें अगर नेक है तो इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। और ये हकीकत है कि जिस तरीके से एक जिहाद हम तालीम के मुद्दे को लेकर, तालीम के मियार को उठाने के लेकर सब तरफ घूम कर लोगों से अपील कर रहे, भीख मांग रहे, याद रखिए, मैं बैठने के पहले ये बात कहना चाहता हूं, आप लोग जहन नशीन करा लीजिए अच्छी तरीके से कि आपको तालीम के लिए अगर अपनी मेहनत मजदूरी के साथ अगर अपना पेट काट के भी अपनी औलाद को अगर तालीम हासिल कराना है तो आप कभी पीछे मत हटना, क्योंकि मैं जानता हूं कि जबान तुम्हें चाहे देखना चाहता है, तुम्हारे मजबूत मकानात महफूज नहीं रहेंगे। ये याद रखिए, अगर तालीम नहीं रहेगी तो हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे जिसके कारण पर। इतना कहते हुए मैं अपने दो लफ्ज़ ये कहता हूं इस शेर के साथ कि हमको मक्तल से बरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, और अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। खुदा पुराणाला कामठी में आपका स्वप्न घर अब हो रहा है संभव। आओ जीवन के ख्वाब को सच करें। हमारे पास आपके लिए स्थानिक प्लॉट है, यहाँ आपको मिलेगा सीमेंट सड़कें जिनमें पेवर ब्लॉक्स लगे हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, विकसित बागवानी और ओपन एयर जिम। सपनों का घर अब होगा संभव, क्योंकि ये है आपके बजट के अंदर। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल, यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ले आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक कांटी।